मनीषा रानी बन गई हैं सबके लिए सॉफ्ट टारगेट। मनीषा रानी के फैंस एक बार फिर हुए एल्विश यादव से नाराज। आखिर क्या वाकई एल्विश, अभिषेक, बाकी लोग यूज कर रहे हैं मनीषा को? क्यों बार बार किया जा रहा है दोगलापन? आखिर अभिषेक और एल्विश करे तो ठीक है, मनीषा अगर थंबनेल लगाए तो क्यों मनीषा के साथ किया जा रहा है भेदभाव? तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। गाइस, मनीषा रानी ने वैसे तो बिग बॉस से निकलने के बाद लोगों का दिल जीता है और बहुत लोग की मनीषा की पॉपुलैरिटी से जल भी रही है और इवन आज भी लोग जल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हैशटैग मनीषा स्क्वाड ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। मनीषा और एल्विश का रीयूनियन भले ना हुआ हो, लेकिन इन द नियर फ्यूचर एक बड़ा रीयूनियन होगा। ये तो डेस्टिनी है, डेस्टिनी ज़रूर दोनों को एक साथ लाएगी। कई बार आपको ये बातें मैच्योर होकर समझना होगा कि दोनों के पास टाइम नहीं मिल पाया, मैच नहीं हो पाया, खुद कन्वर्सेशन लोगों ने पूरी सुनी, ना ही एल्विश ने धोखा दिया ना ही मनीषा ने धोखा दिया, दोनों अच्छे दोस्त हैं। ये बात खुद एल्विश भी कई बार कह चुके हैं, मनीषा भी कई बार कह चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों फैंस समझना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो तथ्य दिए जा रहे हैं, कुछ लोग मनीषा के फैंस जो हैं वो शायद एल्विश के थंबनेल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि भाई इतनी छोटी छोटी बातों से अगर आप नाराज़ हो गए ना तो आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। थंबनेल पर व्यूज़ लाने के लिए इस तरीके के थंबनेल बनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, चाहे वो मनीषा रानी का थंबनेल हो या फिर एल्विश यादव का। वैसे एल्विश यादव की इस थंबनेल पर कई सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ना आप एल्विश को हेट दीजिए ना ही मनीषा को हेट दीजिए। भाई मनीषा इतनी प्यारी है, उसको हेट कैसे ही कोई दे सकता है? और जो हेट दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड चेजिंग की जा रही है, क्योंकि आज के डेट में आप मानो या ना मानो, बॉस एल्विश हो या फिर अभिषेक, सबको नाम तो मनीषा का ही यूज़ करना है, क्योंकि मनीषा है आज के डेट में सबकी प्यारी सपना एक्ट्रेस। मनीषा वायरल है, मनीषा वायरल रहेगी। यहाँ पर मनीषा स्क्वाड की तरफ से एक क्वेश्चन किया गया, कैन यू प्लीज़ ट्रेंड दिस टुडे, स्टॉप डिफेमिंग मनीषा, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, एंड इफ़ मनीषा हैज़ एग्रीड टू कम टू ए एम तब वो धोखा नहीं था, फोहड़ बोलने वाले आज कहाँ गए, शेम ऑन यू। अगले कॉर यूज़र ने लिखा कैप्शन, व्हाट इज़ द कैप्शन, रात के 2 बजे कौन आएगा? फिर ये लोग ही हैं जो हेट देंगे, स्पेस बनाएंगे, यूट्यूबर आएंगे, बॉडी शेमिंग करेंगे, स्टॉप दिस प्लीज़। अगले एक और यूज़र ने लिखा, अगर ऐसा थंबनेल मनीषा रानी ने लगा दिया होता तो एल्विश के पालतू कुत्ते मनीषा के कमेंट सेक्शन में हेट भर देते, दोगलापन क्यों? वी डिमांड रिस्पेक्ट फॉर मनीषा रानी, इफ़ यू नॉट गो टू हेल। अगले एक और यूज़र ने लिखा, वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये एल्विश पर ही आप मत लेके आई है, ये अभिषेक की तरफ से भी हो रहा है। अगर अभिषेक ये ऐसा थंबनेल लगा दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभिषेक के लिए भी अगर मनीषा ने इस तरीके के थंबनेल लगा दिया होता तो मनीषा को दोनों तरफ से हेट मिलता। उसका पता है आपको रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कम्युनिटी में लोग एल्विश और अभिषेक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, ये लोग पहले से यूट्यूबर हैं, लेकिन मनीषा जो है वो आज स्टारडम पाई है, मनीषा को आज पॉपुलैरिटी मिली है। लेकिन बॉस, आप कितना भी जल लो, मनीषा की पॉपुलैरिटी कम होने वाली नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस तरीके की हेट और नेगेटिविटी से आप दूर रहिए। अगर आप एल्विशा फैंडम हैं, अगर आप अभिषा फैंडम हैं या फिर कोई भी XYZ, लेकिन हाँ, ये आपको समझना होगा कि मनीषा रानी टॉप थी, टॉप हैं और टॉप रहेंगी। आपका क्या है ओपिनियन इस कॉन्ट्रोवर्सी पर? क्या लगता है आपको, क्या वाकई अब जो लोग हैं, फैंस जो हैं, वो जानबूझ के छोटी छोटी बातों में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं? आपको लगता है कि जी नहीं, मनीषा सॉफ्ट टारगेट है, मनीषा को सॉफ्ट टारगेट बार बार बनाया जाता है, तो बंद होना चाहिए ये? मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।